नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लगन राशिफल 2024 में। देखिए, लगन राशि और चंद्र राशि दोनों अलग अलग होती है। लगन आपके भौतिक रूप और उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही यह भी बताता है कि अन्य लोग हमें कैसे देखते हैं। दूसरी तरफ चंद्र राशि जो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा हमारा आंतरिक व स्व मन और भावना को दर्शाता है, जो केवल हमारे भीतर ही मौजूद होता है और ऐसे में अन्य लोग इसे देख नहीं सकते। आपके जीवन में भी आपकी मुलाकात कभी न कभी किसी ऐसे व्यक्ति से अवश्य हुई होगी जो आपके जीवन में अच्छा कर रहे हैं। उनके पास सभी वित्तीय लाभ, अच्छी स्थिति, मान सम्मान सब कुछ होता है, फिर वह अपने जीवन से खुश या संतुष्ट नहीं दिखाई देते या अपने जीवन का आनंद लेने में असफल होते हैं। ऐसा मुख्य तौर पर इसलिए होता है क्योंकि लगन कुंडली में उनकी ग्रह स्थिति और योग तो अच्छे होते हैं, लेकिन चंद्र कुंडली में बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं होते। ठीक इसी तरह से आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो औसत जीवन जी रहे हैं, जिनके जीवन में बहुत कुछ तो नहीं होता लेकिन वह राजा की तरह अपना जीवन बिता रहे होते हैं। इसका मुख्य कारण यही होता है कि चंद्र कुंडली में उनके ग्रह के योग तो अच्छे होते हैं लेकिन लगन कुंडली में इतने अच्छे नहीं होते। जीवन में होने वाली जो मुख्य और घटनाएं होती है, हम दोनों कुंडली से व्यक्ति की स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं 12 राशियों का लगन राशिफल 2024 में। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए यह साल बेहद ही खास रहने वाला है। यह आपके लिए परिवर्तन का साल साबित होगा। शारीरिक रूप से लोग अपने जीवन और रूप रंग में कई बदलाव महसूस करेंगे। 1 मई 2024 को बृहस्पति का गोचर आपके दूसरे घर में होने जा रहा है। ऐसे में अगर आप अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करते हैं और गलत खान पीन की आदत का अनुसरण करते हैं तो आपका वजन बढ़ सकता है। बृहस्पति अपने इस गोचर के दौरान आपके 8वें घर पर दृष्टि डालेगा। ऐसे में आपको डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं भी हो सकती है। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य और शारीरिक कल्याण के बारे में ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके सितारे आपके व्यक्तित्व को बदलने में मददगार साबित होंगे। दूसरे भाव में बृहस्पति आपकी आय का विस्तार और वृद्धि के संकेत देख रहा है, लेकिन 8वें घर पर इसकी दृष्टि आपके खर्चे में भी वृद्धि कराएगी। इसलिए अपने वित्त की योजना बेहद सोच समझकर ही बनाएं तो अनुकूल रहेगा। कुल मिलाकर आप इस साल समझदारी और ज्ञान से भरपूर रहेंगे। इसके लिए अपने शरीर पर समय लगाने का सुझाव आपको दिया जाता है क्योंकि इससे आपको और अधिक सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। इसके अलावा यदि आप ध्यान करते हैं तो आपके अंदर आक्रामकता और ऊर्जा नियंत्रित रहेगी, क्योंकि उच्च ऊर्जा स्तर के चलते आप आवेगपूर्ण निर्णय ले सकते हैं जो आपके लिए उल्टे पड़ सकते हैं। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप अपनी अग्नि और ऊर्जा के स्तर को नियंत्रण करें, इससे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। इसके अलावा हर मंगलवार को हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाए, ये आपको सलाह दी जाती है। बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। दूसरी तरफ शनि कुंभ राशि में 11वें भाव में रहेंगे, जिससे आपको अपने पेशेवर जीवन में कई कड़ी मेहनत का वित्तीय लाभ मिलेगा। अगर आप पदोन्नति या फिर वेतन में बढ़ोतरी या करियर में बेहतर अवसर की उम्मीद कर रहे हैं तो ऐसा इस वर्ष हो सकता है। कुल मिलाकर लगन राशिफल के अनुसार मेष राशि के जातकों के लिए यह समय अधिक अनुकूल है। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए पहले घर वृषभ राशि, चौथा घर सिंह राशि, 10वां घर कुंभ राशि, सभी 2024 में एक ही समय में सक्रिय हो रहे हैं। ऐसे में लगन राशिफल के अनुसार इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आप अचल संपत्ति, कोई नया वाहन आदि खरीद पर पैसा खर्च कर सकते हैं। साथ ही नया घर खरीदने या अपने मौजूदा घर के नवीनीकरण में भी आप धन खर्च करते नजर आएंगे। ऐसी प्रबल संभावना बन रही है कि अगर परिस्थितियां अनुकूल रही तो आप विदेश में भी घर खरीद सकते हैं। हालांकि इस वर्ष आपको अपनी माँ के स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए नियमित रूप से उनकी जाँच अवश्य करवाते रहे। शनि इस समय आपके करियर और पैसों के 10वें घर में गोचर कर रहा है, इसलिए यह आपके लिए अपनी नौकरी में आगे बढ़ने का एक अच्छा समय साबित होगा। आपको अभी कुछ समय के लिए मौका मिल सकता है और आप दूसरे देश में
व्यापारिक यात्राओं का लुफ्त उठा सकते हैं। इस वर्ष आप अपने पारिवारिक जीवन का भरपूर लाभ उठाएंगे। रोमांटिक रिश्तों और वैवाहिक जीवन के लिहाज से भी वर्ष 2024 काफ़ी अनुकूल रहेगा। लगन राशिफल के अनुसार यह साल आपके लिए काफ़ी अच्छा बीतेगा। इस राशि के जो जातक शादीशुदा है उनका जीवन खुशहाल बना रहेगा, अपने जीवन में सब कुछ अच्छा रहेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि इस साल अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे, अपने स्वास्थ्य पर कड़ी नज़र बनाए रखें और हल्की सी भी परेशानी होने पर तुरंत उसका उपचार कराएं। पौष्टिक आहार लें, नियमित रूप से व्यायाम करें और शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए लगन राशि फल 2024 में इस बात के संकेत दे रहा है कि इस वर्ष आपका 12वां घर और 9वां घर सक्रिय होने वाला है, जो इंगित करता है कि आपके 10वें घर के स्वामी बृहस्पति का विदेशी भूमि के 12वें घर में गोचर आपके लिए आर्थिक दृष्टि से अनुकूल रहेगा। इस दौरान आप ढेर सारा पैसा कमाएंगे और विदेशी यात्रा या विदेश में बसने के अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। वर्ष 2024 में आप ढेर सारा पैसा खर्च भी करेंगे क्योंकि 12वें घर में बृहस्पति मौजूद है, जो आपके खर्चों का विस्तार व वृद्धि करेगा। इस साल आपके अधिकांश इच्छाएं पूरी भी होंगी। 12वें भाव में बृहस्पति के गोचर के प्रभाव स्वरूप आप अपने साथी के साथ कहीं छुट्टी बिताने भी जा सकते हैं। लगन राशिफल के अनुसार आप अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बीच एक अच्छा संतुलन बनाने में इस वर्ष कामयाब रहेंगे। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो इस बात की प्रबल संभावना है कि आप अपने साथी को किसी बात के चलते नुकसान पहुंचा सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपको अपने बच्चों के साथ क्वालिटी वक्त बिताने की सलाह दी जाती है, साथ ही उनके स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखें। मिथुन राशि के जातकों को वर्ष 2024 का उच्चतम लाभ उठाने के लिए नियमित रूप से गौ माता की सेवा करें और उन्हें हरा चारा खिलाएं, आपको लाभ मिलेगा। कर्क राशि। कर्क लगन राशिफल 2024 के अनुसार इस साल आपका 11वां घर और 7वां घर सक्रिय होने जा रहा है, इसलिए इस बात के संकेत दे रहा है कि आपका पेशेवर जीवन फले फूलेगा, आप आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति में नजर आएंगे, साथ ही धन संरक्षित करने में भी कामयाब रहेंगे। आपके 9वें घर में राहु की स्थिति आपको दूर देश की यात्रा से भी लाभ दिलाएगा, भाग्य आपका साथ देगा। नवम भाव में राहु आपको कुछ रुकावटें दे सकता है। इसके अलावा केतु 3रे भाव में मौजूद है, जिससे आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उठानी पड़ सकती है। ऐसे में यह समय आपके लिए थोड़ा अनुकूल नहीं नज़र आ रहा है। उपाय के तौर पर आप आवारा कुत्तों को खाना खिलाने आपके लिए अनुकूल साबित होगा। इस वर्ष आपको अपने दैनिक जीवन में ज़्यादा अनुशासित रहने की सलाह दी जाती है। पानी, खाना या प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद बिल्कुल ना करें। साल के मध्य में आप ज़्यादा फायदा उठाते नजर आएंगे क्योंकि इस दौरान अधिकांश ग्रह आपके लगन भाव में गोचर करेंगे और आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएंगे। प्रतिदिन या फिर हर सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, जो आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। सिंह राशि। सिंह राशि लगन राशिफल के अनुसार सिंह राशि के जातकों के लिए साल 2024 बेहद ही भाग्यशाली और शुभ वर्ष साबित होगा। आपके 7वें घर कुंभ राशि और 10वें घर वृषभ राशि की सक्रियता के चलते इस साल आपके जीवन में ढेर सारे सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी क्योंकि इस वर्ष 2 बड़े ग्रह बृहस्पति और शनि आपकी ही राशि में आपका समर्थन करते नजर आएंगे। ऐसे में अपने व्यक्तित्व में भी बदलाव देखने को मिलेगा और आप समाज और व्यवसाय में उत्कृष्ट प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए इस वर्ष का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। 10वें घर में बृहस्पति आपको अपने पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मददगार साबित होगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपने वरिष्ठों का समर्थन प्राप्त होगा, उनके सहयोग से आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में कामयाब रहेंगे। 6ठे भाव पर बृहस्पति आपको कर्ज से उबारेगा या फिर किसी कानूनी मामले में जीत दिलाने में आपका साथ देगा। दूसरी तरफ 7वें घर में शनि की उपस्थिति आपके जीवन में ढेरों अनुकूल अवसर लेके आएगी। नव विवाहित जातकों को शुभ समाचार मिल सकता है। टकराव और असहमति की भी संभावना बनती नजर आ रही है। हालांकि जिन जातकों की शादी को कुछ समय हो गया है और वह अपने वैवाहिक जीवन की वास्तविकताओं से अवगत हो चुके हैं, उन्हें
अपने जीवन साथी के साथ संबंध बनाने रखने में थोड़े संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है और अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने का आप आनंद उठाएंगे। कन्या राशि, कन्या लगन राशिफल 2024 के अनुसार इस बात के संकेत दे रहा है कि वर्ष 2024 में आपका 12वां घर और 9वां घर सक्रिय हो रहा है। इसके अलावा राहु केतु भी आपके 9-3 अक्ष में स्थित है। यह सभी कारक आपके लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं नज़र आ रहे हैं और यह इस बात के संकेत दे रहा है कि वर्ष 2024 आपके लिए कठिन समय साबित हो सकता है, खासकर स्वास्थ्य के संदर्भ में। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, समय समय पर नियमित जाँच कराते रहे, डॉक्टर से मिलते रहे, व्यायाम करें, सही भोजन करें, तामसिक भोजन, शराब और ज़्यादा तने बुले भोजन का सेवन ना करें। आपको सुझाव दिया जा रहा है कि गाड़ी चलाते समय, यात्रा करते समय ज़्यादा सावधान रहे आपके लिए हितकारी रहेगा। आप अपने संचार और बातचीत कौशल की तकनीक के लिए जाने जाते हैं, ऐसे में आप बिना किसी को नाराज किए अपना काम पूरा करने का हुनर जानते हैं। हालाँकि इस वर्ष केतु के आपके दूसरे घर में स्थित होने 30 अक्टूबर तक के परिणाम स्वरूप आपको इस कौशल की परीक्षा हो सकती है। आपको अपने विचारों को व्यक्त करने और दूसरों के साथ बातचीत करने में कठिनाई उठानी पड़ सकती है। आपके शब्दों का गलत अर्थ भी निकाला जा सकता है। इसके अलावा बातचीत करते समय आप थोड़े कठोर और कर्कश भी हो सकते हैं, जिससे आपकी बातों से दूसरों को बुरा लग सकता है। अक्टूबर और नवंबर का महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा, जब बुध 1 अक्टूबर को और शुक्र 3 नवंबर को आपके लगन में गोचर कर जाएंगे। केतु भी आपके पहले घर में आ जाएगा। इस दौरान आपकी सेहत पर ज़्यादा ध्यान देने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा मुमकिन हो तो 5 या 6 कैरेट का पन्ना पहने, बुधवार के दिन पंचधातु या सोने की अंगूठी में पन्ना जड़वाकर आप इसे धारण कर सकते हैं। हालांकि यह उपाय करने से पहले किसी जानकार ज्योतिष की सलाह अवश्य लें। तुला राशि, तुला लगन राशिफल 2024 के अनुसार तुला राशि के जातकों का पंचम भाव और अष्टम भाव वर्ष 2024 में सक्रिय हो रहा है। इसलिए स्वास्थ्य और पेशेवर जीवन के लिहाज से यह साल आपके लिए उठापटक वाला साबित होगा। बृहस्पति और शनि दोनों विपरीत शक्तियां आप पर अपना प्रभाव डालेगी। शनि आपके पंचम भाव में और बृहस्पति आपके अष्टम भाव में स्थित रहेंगे। तुला लगन राशिफल के अनुसार बृहस्पति तीसरे घर और छठे घर पर शासन करने वाला एक हानिकारक ग्रह माना जाता है। आपके छठे भाव का स्वामी 8वें घर में विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है, इसलिए आपको पहले तो कष्ट उठाने पड़ेंगे, हालांकि बाद में आपको अपने प्रयासों का लाभ भी मिलेगा। शनि और बृहस्पति दोनों आपको मजबूत नेटवर्क और लाभदायक व्यवसाय स्थापित करने में मददगार साबित होंगे। दूसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपकी वाणी में सुधार की वजह बनेगी और आप अधिक व्यवहार कौशल बनेंगे। इसके अलावा परिवार और दोस्तों के विरोध के बावजूद तुला राशि के अविवाहित जातक अपने साथी के साथ विवाह करना चाहते हैं, उनका यह सपना पूरा हो सकता है। आप और आपका साथी आपस में चल रहे मुद्दों पर विराम लगाते हुए शादी का फैसला कर लेंगे। आपका विवाह परिवर्तनशील चरण से गुजर सकता है, हालांकि यह व्यक्ति की कुंडली पर निर्भर करता है कि यह आपके लिए सकारात्मक रहेगा या नकारात्मक। पंचम भाव से शनि आपके सप्तम भाव पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा, ऐसे में तुला राशि के कुछ जातकों का इस दौरान ब्रेकअप भी हो सकता है। आपका प्रेम संबंध विवाह में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। आपके 11वें घर पर शनि की दृष्टि होने के चलते आपका सामाजिक नेटवर्क सीमित लेकिन मजबूत बनेगा। अगर आप इस वर्ष का सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें और 5 लाल फूल अर्पित करें। शुक्र की होरा के दौरान शुक्र मंत्र का जाप करें। अपने बेडरूम में गुलाब की फोटो जरूर लगाएं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन राशिफल 2024 के अनुसार वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह साल सुखद रहने वाला है। 1 मई 2024 को बृहस्पति 7वें घर वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे और शनि 4थे घर कुंभ राशि में स्थित होंगे। दोनों इस वर्ष सक्रिय हो रहे हैं। इस साल आप अपने करियर में शानदार नतीजे प्राप्त कर लेंगे, साथ ही आपके वैवाहिक जीवन में भी स्थिरता आएगी। आपके करियर को इस वर्ष वह स्थिरता हासिल होगी जिसकी आप लंबे समय से तलाश कर रहे थे। हालांकि स्वास्थ्य पक्ष थोड़ा नाजुक रहने वाला, इस साल आपको पाचन संबंधी परेशानियां, पेट की दिक्कत, खांसी, मोटापा या
हृदय संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाने की भी आपको सलाह दी जाती है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और उन शारीरिक गतिविधियों में शामिल हो जिससे आपको खुशी मिलती है। आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। उनके लिए नियमित रूप से चेकअप करवाते रहे और उनके भावनात्मक कल्याण के लिए उनके साथ वक्त बिताए। आपको इस वर्ष सबसे बड़ी सफलता प्राप्त करने में अपने इष्ट देवी देवताओं भगवान कार्तिकेय और हनुमान जी की पूजा करने और कार्तिकेय स्रोत या हनुमान चालीसा का पाठ करने की सलाह दी जाती है। धनु राशि। धनु लग्न राशिफल 2024 के अनुसार धनु राशि के जातकों के लिए यह साल अच्छा और सफल साबित होगा। इस साल शनि आपके तीसरे घर में स्थित है और बृहस्पति जो आपका लग्न स्वामी है वो आठवें घर में स्थित रहने वाला है। धनु राशि के जातक इस साल अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। साथ ही आप अपने लिए एक सफल करियर की भी नींव रखेंगे। परिणाम स्वरूप इस साल आपको अपने लिए अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको वरिष्ठों का समर्थन प्राप्त होगा। आपके काम को पहचान मिलेगी। धनु राशि के तहत पैदा हुए छात्र जातकों के लिए भी यह साल अच्छा रहेगा, खासकर उन छात्रों के लिए जो सार्थक विद्यार्थी में दाखिला लेंगे या आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे हैं। यह साल उन छात्रों के लिए भी अनुकूल साबित होगा जो PhD जैसी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। आपको अपने गुरुओं शिक्षकों का समर्थन मिलेगा। हालांकि धनु राशि के छात्रों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि राहु आपके चौथे घर में स्थित है जो आपके घर में अशांति की वजह बन सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो विदेश जाने में भी यह आपकी मदद कर सकता है। हालांकि इसके लिए व्यक्तिगत ग्रहों की स्थिति देखकर ही कुछ कहा जा सकता है। धनु राशि के जातकों को इस साल वजन बढ़ाने या मोटापा का खतरा है। इसके अलावा मधुमेह, हृदय से संबंधित परेशानियां, सांस से संबंधित परेशानियां जैसी दिक्कतें भी आपके जीवन में बनी रहेगी। आपको स्वास्थ्य के संदर्भ में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा अगर आप गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें पीले फूल चढ़ाते हैं, तो यह आपके लिए काफ़ी शुभ साबित होगा। मकर राशिफल। लग्न राशिफल 2024 के अनुसार मकर राशि के जातकों के लिए इस साल मिश्रित परिणाम प्राप्त होने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि आपका दूसरा घर कुंभ राशि और पांचवा घर वृषभ राशि दोनों सक्रिय हो रहे हैं। रचनात्मकता के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह एक बेहतरीन साल साबित होगा। डिजाइनिंग, शिक्षक, कोचिंग आदि से संबंधित जातकों को इस साल लाभ की उच्च संभावना बन रही है। बृहस्पति आपके 12वें घर का स्वामी है जो आपके 5वें घर में स्थित रहेगा। 12वां घर और 5वां घर दोनों ही आध्यात्मिक रचनात्मक माने जाते हैं और ललित कला जैसे क्षेत्रों में जुड़े लोगों का भरपूर समर्थन करते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको ज़्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। जंक फूड और शराब के सेवन से बचें, ज़्यादा व्यायाम करें, अपने इर्द गिर्द साफ सफाई बनाए रखें और गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें। इसके अलावा आमतौर पर आपको अगस्त और दिसंबर के महीने में नियमित रूप से जांच कराने की सलाह दी जाती है। अपनी संतान के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। इस साल आपका स्वास्थ्य आपके लिए परेशानी की वजह बन सकता है। कुंभ राशि। कुंभ लग्न राशिफल 2024 के अनुसार इस साल आपका चौथा घर वृषभ राशि और पहला घर कुंभ राशि सक्रिय होने जा रहे हैं, जिससे यह साल विशेष रूप से उन लोगों के लिए बेहद भाग्यशाली साबित होगा जो अपने पार्टनर के साथ विवाह करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए मुमकिन है क्योंकि आठवें घर पर आपके चौथे घर में बैठे बृहस्पति की दृष्टि रहने वाली है। इस राशि के जिन जातकों को पहले से विवाह के संदर्भ में परेशानियां उठानी पड़ रही थी, उनके लिए यह समय अनुकूल है। रिश्तों की परेशानियों को दूर करके आप अपने रिश्तों को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं और आपके वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां हैं, तो अब उन परेशानियों का अंत होगा। आपके जीवन में सभी मुद्दे धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे, जिससे आपको अपनी शादी को खुशहाल बनाए रखने के लिए किए गए कार्यों पर गर्व होगा। इसके अलावा आपका साथी भी आपके द्वारा लिए गए निर्णयों और आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करेगा। इस राशि के जो जातक समझदारी में अपना व्यवसाय चलाते हैं, उनके लिए यह साल
बेहद अनुकूल और जिनके पास वर्तमान में व्यावसायिक सहयोग है, उनके अपने सहयोगियों के साथ रिश्ते सकारात्मक बनेंगे। जैसे साल खत्म होता जाएगा, आपको इसमें स्थिरता मिलने लगेगी। कुल मिलाकर देखें तो आपको अपने मित्रों, कर्मचारियों आदि को संतुष्ट रखना अनुकूल साबित होगा। ऐसा करने पर शनि देव की कृपा आप पर बनी रहेगी। इसके अलावा चतुर भाव में बृहस्पति आपको आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा। मीन राशि। मीन राशि लगन राशिफल 2024 के अनुसार बृहस्पति के आपके तीसरे घर वृषभ राशि में गोचर और शनि आपके 12वें घर यानी कुंभ राशि में स्थित होने के चलते इस वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि तीसरे घर में मौजूद बृहस्पति आपको इस मोर्चे पर नुकसान पहुँचा सकता है। आलस, एसिडिटी जैसी समस्याएं आपके जीवन में खड़ी हो सकती है। तीसरे घर में बृहस्पति की स्थिति यह भी दर्शाती है कि इस दौरान आप ज़्यादा तला भुना और मीठा खाना खाने की इच्छा रखेंगे, जिससे आपको मोटापा, वजन बढ़ने की परेशानी, पाचन संबंधी समस्याएं, लीवर की परेशानियां और चिंता हो सकती है। करियर के मोर्चों पर बात करें तो इस साल आपको लाभ मिलेगा। बृहस्पति तीसरे भाव में स्थित होकर आपको कड़ी मेहनत की जगह स्मार्ट वर्क करने के लिए प्रेरित करेंगे। बृहस्पति आपका दशम भाव का स्वामी और लगन भाव का स्वामी है। इस वर्ष आपको पदोन्नति और आपके छोटे भाई बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। आपको पदोन्नति और वेतन वृद्धि दोनों मिलने की प्रबल उम्मीदें बन रही है, क्योंकि राहु जो विदेशी पहलुओं का कारक है, यह आपके पहले भाव में स्थित है। और क्योंकि आपका 11वें भाव का स्वामी शनि आपके विदेशी क्षेत्र के 12वें घर में गोचर कर रहा है, इसके लिए आप किसी भी MNC या बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए काम करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा प्रबल संभावना है कि इस साल आपकी नौकरी के लिए आपको विदेश यात्रा करने का मौका भी मिल सकता है। आपको इस दौरान अपना और अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखने की सलाह दी जाती है। अगर मुमकिन हो तो गुरुवार को पीला नीनम धारण करें। जय श्री राम।